चलो मेरी एक्टिंग रोबोट रोबोट हाँ रोबोट की एक्टिंग कर देगा। चलो रोबोट कैसे एक्टिंग करता है, चल क्या वहां से बोल के चल क्या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा, आपका पूरा नाम बताइए। श्यामा शेट्टी। यू आर वेरी क्यूट श्यामा शेट्टी, आई लव यू। सो हाउ ओल्ड आर यू? फाइव। ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू जब आप बड़े हो जाओगे? मम्मी जैसे पापा के जैसे क्या बनना है? आई बिकम डॉक्टर। Why do you want to become a doctor, beta? Because I'm so happy. Oh, you look happy. You look very happy, mashallah. So do you have any brothers and sisters? Yes. Oh, who? Do you have a brother or a sister? I have a big sister. Where is she now? Is she here? No, she is in other. Okay. And what do you like? What's your favorite hobby? I like to play with my friends. What do you play? What's your favorite game? My favorite game is skipping. What else do you like? You know how to swim? Yes. You like swimming? You like the water? Yes. Okay. Lovely to have you with us. It's a pleasure. Keep smiling, Bella. Thank you. God bless you. Okay, सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी और आने वाले आकाश नृत्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने करियर की शुरुआत इस उम्र से की थी। आई बिगैन माई करियर एज अ चाइल्ड एक्टर और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आत्मविश्वास मैंने अब बच्चों में देखा है, साइलेंस इन द बैकग्राउंड प्लीज, एब्सोल्यूट साइलेंस इन द बैकग्राउंड, सम प्रोफेशनल एक्टिविटी आज की इस उम्र के बच्चों में। और आप अगर आपने छोटी सी बच्ची देखी होगी, वो चार साल की थी, जो आत्मविश्वास मैंने देखा है, मुझे पूरा यकीन है, ये डंके की चोट पर ऐलान कर सकता हूँ कि हमारे देश का भविष्य, इस इंडस्ट्री का भविष्य और दुनिया का भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। बिकॉज लुक एट द कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से वो लोग आए, जिस और मैं इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कि जितना हम लोग प्रोफेशनल मॉडल्स और एक्टर्स से इतना इंप्रेस नहीं होते ऑडिशंस में, जितना इन लोगों ने मुझे ऑडिशन में आज इंप्रेस किया है। तो हैट्स ऑफ टू यू। आप एक काम करो, जल्दी से इधर कार्टवील करके दिखाओ आंटी को, जल्दी से ये छोड़ दो इधर सामने, इधर 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 इधर। अब ये देखिए, दिस इज कॉन्फिडेंस, कम ऑन, 1 2 3। ऐसा आत्मविश्वास आपको दुनिया में कहीं नहीं नजर आएगा। इसका श्रेय जाता है मेरे दोस्त रविंद्र को, इन्होंने जिस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, जितने प्रोफेशनल तरीके से ये आज ऑर्गेनाइज हुआ है, मुझे नहीं लगता मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जो पैटर्न्स होते हैं इतने प्रोफेशनल तरीके से होता है। इतना ये जैसा आपने देखा होगा, एक बड़ी वैज्ञानिक तरीके से, वेरी साइंटिफिक वे, वेरी सीमलेसली हो रहा है, कोई मतलब चिल्ला पुकार नहीं, और बच्चे सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आज इनका जो अनुभव यहाँ रहेगा, इससे ये तय कर पाएंगे कि ये इंडस्ट्री में रहना चाहेंगे या नहीं, राइट? तो नाउ आई लाइक टू प्लीज गिव माई ब्यूटिफुल को जजेस अ चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। सर प्लीज कम, एक मिनट, सर। आज का जो कार्यक्रम हमने किया है, इसका श्रेय इनको जाता है। ही इज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ विजनरी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस वंडरफुल प्रॉपर्टी वेयर वी आर होस्टिंग इट, दिस इज द गोयनका स्कूल। प्लेजर टू हैव यू विद अस। No, it's a remarkable job. Hats off. हुकुम। जी। एक ही चीज को ध्यान में रखता है, वो बच्चों का कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चों को हम लोग कोई चीज करने बोलते हैं, कुछ हैं जो एकदम उस चीज़ को समझ लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, और कुछ है जिनको मतलब समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वार्म अप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग उतने मतलब एंड में सब बच्चे स्पेशल होते ही हैं, हर बच्चा एक हीरा है, लेकिन हम कास्टिंग के नज़रिए से देखा जाए तो उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं और इमीडिएटली रिएक्ट करना शुरू करते हैं। जी जी जी। देखिए, मैं मानता हूँ कि सर यू विल डिसएग्री विद मी, बट आई हैव टू बेग योर फॉरगिवनेस। जो इंसान की तमीज़ और तहजीब घर से इंसान सीखता है, वो पहले होती है, बाद में वो बच्चा स्कूल जाता है। चार साल की उम्र तक जो तहजीब और तमीज़ बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अपब्रिंगिंग इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन।
एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक अपब्रिंगिंग जिसे कहते हैं दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट. और आप कौन हो, समाज के किस तबके से बिलोंग करते हो और आपकी समाज में क्या योगदान देने की क्षमता है, दैट कम्स एज मच फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग एज इट डज फ्रॉम योर एजुकेशन. मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, आपको एक स्वर्ण मौका मिला है ब्रह्मांड की तरफ से उस इंसान को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने का. तो आज का जो दौर है, खास करके ये एंटरटेनमेंट का जो दौर है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंस्टेंट नोटिफिकेशन एंड ग्रेटिफिकेशन, मैं माँ बाप से और फैमिली से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि बच्चों का भविष्य आप अपने आप से बर्बाद मत कीजिए. उनको मोबाइल्स 18 साल के होने तक प्लीज़ डू नॉट अलाउ देम टू यूज़ द इंटरनेट, एस्पेशली things like Facebook and Instagram, because it's not their age. जी हाँ, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो स्वच्छता अभियान उन्होंने काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ एक्सरसाइज है, लेकिन मैं गांधी जी का चौथा बंदर बन गया हूँ. ठीक है, जैसे वो तीन बंदर बोलते हैं कि आप बुरा मत देखिए, बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए, मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि आप बुरा मत सोचिए. क्यों? कि हमारी सोच से हमारे अल्फाज निर्धारित हैं. अंग्रेजी में कहावत है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस इट बिकम्स योर हैबिट, वॉच योर हैबिट इट बिकम्स योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी. तो मेरा ये मानना है कि अगर आध्यात्मिक रूप से हम देखने जाएं और अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो इस किस्म की गंदगी हमारे समाज में कभी नहीं फैलेगी. और इस गंदगी को फैलाने का श्रेय जाता है बॉलीवुड को. आप शीला की जवानी दिखा रहे हो, मुन्नी बदनाम हुई दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ना इस समाज पर. लेकिन जिस तरह से माहौल बन गया है जी, उसका क्या कमेंट है? आज का जो आसिफा केस जो है वो एक माहौल बन गया कि ये दहशत फैलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है. ये कौन कर रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम सब साथ हैं. देखिए, आज अगर आप बोल रहे हो कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ये बहुत घटिया सोच है, क्योंकि इंसानी तौर पे देखा जाए तो वी आर ऑल वन. मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आई सब्सक्राइब टू द फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. वासु मीन्स अर्थ, देव मीन्स गॉड, एंड कुटुंब मीन्स फैमिली. आई बिलीव वी आर ऑल वन. व्हाट सेपरेट्स अस इज एरोगेंस, इग्नोरेंस एंड ईगो. तो वो लोग जो एरोगेंस, इग्नोरेंस एंड ईगो को अपना साथी बना के ये मतलब दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये मानना होगा कि अगर हिंदुस्तान की जो सच्चाई देखी जाए, इट गोज बैक टू हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. राइट, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 5000 इयर्स. ट्राई एज हार्ड एज यू मे, आई चैलेंज यू, यू कैन नॉट सेपरेट अस. थैंक यू. शो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे और सब, मतलब इतना एंजॉय कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम मुझे पता चला कि ऑडिशंस हैं, बट सब लोग बहुत कॉम्पिटिटिव है, एकदम स्पिरिटेड हैं, और उन सबके पेरेंट्स यहाँ पर उनको सपोर्ट करने आए हैं. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. नो रियली, हैट्स ऑफ टू रविंद्र एंड निकिता. लिसन, टीम का डेफिनेशन होता है टुगेदर ईच अचीव्स मोर. तो अगर रविंद्र और निकिता ने ये प्रयास शुरू नहीं किया होता तो हमारे कोरियोग्राफर भाई साहब, जिनको अभी तक आपने फोकस भी नहीं किया, वो हमारे सूरत से आए हैं, उनका भी थोड़ा इंटरव्यू लीजिए. हम सब एक टीम यहाँ इसलिए हाजिर हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमें इस लायक समझा. सो थैंक यू बोथ फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. वी रियली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड. आपसे भी कुछ वर्ड बच्चों के लिए, जिस तरह से बच्चे, जैसे कि इन्होंने कहा बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला है अपनी टैलेंट पेश करने का. तो इट्स गुड, नाइस इनिशिएटिव. आपने बचपन में कितना एंजॉय किया है? अरे बहुत एंजॉय किया है. 3 साल की उम्र से मैं भी स्टेज पर ही हूँ. इसीलिए क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है, हमें पता है कि उन बच्चों के दिल और दिमाग पर क्या गुजर रही है सर, और उन्हें कैसे हैंडल करना है. आप समझ लो, हर किसी का काम नहीं इतने छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करना. इट रिक्वायर्स अ सर्टेन ह्यूमिलिटी, अ सर्टेन सेंसिटिविटी, प्लस सम मैच्योरिटी एंड सोफिस्टिकेशन. एब्सोल्युटली. आप सभी का थैंक यू वेरी मच. प्लेजर हैविंग यू विद अस. आपकी एक मूवी आ रही है पास, सो एनीथिंग, आप अपना पास के बारे में क्या बता रहे हो? द पास्ट एक हॉरर फिल्म है और मैं कर रही हूँ जिसका एक पास्ट है. और मुझे पता है बच्चों को बड़ा डर लगता है, मुझको भी बचपन में बहुत डर लगता था, लेकिन हम पेरेंट्स के साथ बैठकर देखा करते थे जी हॉरर शो, दहशत वगैरह. तो मैं चाहूँगी कि अब भी ये सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मेरी मूवी देखने आए और मुझे अपना फीडबैक दें. थैंक यू सो मच. एंड इट इज़ रिलीजिंग ऑन 11th मई. जी, आप बताइए कैसे ये सब आपने कर लिया, इतना बड़ा
का प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी है। और जैसे कि आप देखते हैं कि मुंबई साइड में काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं जो कि हमारे थाने साइड नहीं होते, तो उस वजह से सबसे पहला तो ये है कि हमें थाने में कुछ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो। तो जैसे हम वसंत सर के पास एक प्रपोजल लेके आए, वसंत सर ने हमें अप्रूव किया कि हाँ ग्रीन सिग्नल लेके आप कर सकते हैं, देन हम इसमें फुल फ्लैश में हम लोग आगे बढ़ते गए। अभी क्या फीलिंग है, बच्चे भी हैं सर भी हैं, आज मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है। और मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि अब तक इन्होंने जो भी किया है निवेश अपना पैसा किया है, अब तक हमको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, लेकिन आज के लिए कवरेज देखने के बाद हर स्पॉन्सर इनके लिए होल्ड लगाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और यहाँ मैं एक सजेशन दे रहा हूँ नहीं, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने अपने पैसे से कोई इवेंट किया है या कुछ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे इसे एंजॉय कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स भी मुझे उतना सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों को लेके ही शो करना कोई रीज़न था इसके अंदर? क्योंकि बच्चों के लिए कहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो सीधा IKFW और मुंबई साइड में मिल रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म वहीं होते हैं, थाने में नहीं होते, यहाँ के पेरेंट्स वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, बहुत दूर होता है, इस वजह से यही करना था मुझे। सर आपका कितना सपोर्ट है इसमें? आई विल जस्ट से 5-6 थिंग्स। सी आई एम द CEO ऑफ 14 इंटरनेशनल स्कूल्स एंड जनरल मैनेजर ऑफ ऑल दिस 14 स्कूल्स। इन माय स्कूल एट जू वी हैव गॉट बॉलीवुड चिल्ड्रन स्टडिंग देयर आल्सो, बट हियर आई बिलीव इन वन थिंग, आई एम एन एक्सटर्नल ऑफिसर, आई बिलीव इन वन थिंग, दिस चिल्ड्रन आर टाइनी गॉड्स, डोंट गो टू चर्च, डोंट गो टू टेम्पल, डोंट गो टू मस्जिद, जस्ट बी विद द चिल्ड्रन एंड बी फॉर द चाइल्ड, you can see a god in them, and if you work for them you are going to rock the show. Yes, this is one thing. Second thing, what sir rightly said, I would request all the parents, I would request the channels to keep one thing, make sure, ask parents, request parents, do not give mobile to your child till then that they cross 18. Do not give mobile, because today even in our life parents got fed up of WhatsApp, Twitter, Facebook, and when you go home, you get irritated. You're very happy when you see your child teaching you iPad. You're very happy when your child teaches you a new phone. But you know that mobile phone is the atom bomb for a child. Every third second, the electromagnetic rays which passes through it, which punches the membrane of a child. By the time your child teaches in class 10th, your child becomes addicted to it. You lost your child. You would like to do as a parent? No. So I would request parents, put them into the sports. Put them into the activities what they want, what they love. Do not take them to the mall. In the evening you say, Mama, I want to play, and you take a child to the mall. Do not do that. If child wants to play, let a child go and play the sports. See, I am running a big sports academy by the name of Goenka Sports Academy under the Quantum Sports. I got 200 plus students coming from different places. And here I develop the things in a way. So these children are God. And today in Commonwealth, you see, we have got more than 18 gold medals. So I personally say, in every field, the medals are there, the goal has to be there. Support of parents, support of team, and good ambience makes everything to come on the right track. So I believe in Ravindra and Nikita and even sir and everybody. See, every field has got positive and negative points. Try to catch the positive points and leave the negatives. If you go with positive points, you are reaching your goal. Correct. And it's your all duty. Make sure whatever you do yourself. Do not think your interest, think the interest of the children which are there. And when you start doing that, you are going to rock the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू टीम। मैं एक मुसलमान होने के बावजूद हमेशा ये बोलता हूँ, ओम गणेशाय नमः, और एक नारियल तोड़ा कर दो, जो हमारी प्रथा है, और वही चीज़ हमने आज भी की बच्चों के सामने, बच्चों को ला के, ताकि ये चीज़ कायम रहे। हमें 5,000 साल की संस्कृति को इतने आसानी से नहीं भूल सकते हम लोग। तो रिमेंबर टू प्रैक्टिस व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर एज इंडियंस। हाँ, रविंद्र ने मेरे को बोला कि ये शो करना है, तो मैंने बोला अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं हुआ है कभी, तो करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट हमेशा करना चाहिए। और बच्चे भी अच्छे से कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अच्छे से रेडी करके लेके आए हैं बच्चों को, और पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया भी अच्छा, बोल भी अच्छा रहे हैं, स्पीच भी अच्छी दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा रविंद्र को कि इतना अच्छा ऑडिशन उन्होंने रखा। बच्चों को संभालना मुश्किल है, कोई बच्चों जब कोरियोग्राफ करते हैं तो उनको बहुत चीज़ें माइंड में रखनी है। बच्चे नहीं सुनते हैं तो उनको पहले, मेरा जो मैं कोरियोग्राफ करता हूँ तो मैं पहले उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ, तो बच्चों मेरे को सुनने लगते हैं,
यदि आप उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो वो आपको इग्नोर करेंगे, तो पहले उन बच्चों के साथ घुल मिल के उनको कोरियोग्राफ करेंगे तो अच्छे से सीख जाते हैं बच्चे। इट वॉज अ रियली वेरी डिफिकल्ट एज वेल एज अ वेरी प्लीजिंग टाइम, लाइक बच्चों से बात करके उनके ऑडिशंस और ये सब के लिए, लाइक पेरेंट्स को मैनेज करना और लाइक बच्चों को हैंडल करना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट बट ऑल्सो वेरी प्लीजिंग एज वेल। तो बहुत ही अच्छा लगा, लाइक इट वॉज अ रियली वेरी गुड जर्नी सिंस लाइक आई कैन से इट्स अ 3 मंथ्स और 4 मंथ्स ऑफ जर्नी था, पर काफ़ी अच्छा जर्नी था। दैट्स इट। ओके थैंक यू।